Assalamu alaikum dear students, in today's past paper we'll solve May June 2021 paper 1 variant 2. So question number 1 is, अब हमारे पास ये जो है वो पेपर 1 है, तो इट मीन्स अब हम जो है हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते. तो राइट 0.45 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म. अब आपने सिंपली क्या करना है कि 0.45 को लोएस्ट टर्म्स में एज अ फ्रैक्शन फॉर्म आपने लिखना है. तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, 45. तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे हमें क्या नज़र आएगा, पॉइंट के नीचे हम 1 प्लेस कर देंगे. अब पॉइंट के बाद हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज़ हैं, तो पॉइंट के बाद हम दो जीरोस प्लेस कर देंगे. अब हमने इसे जो है वो सिंप्लीफाइड इसका आंसर देना है, क्योंकि इसे हमने लोएस्ट टर्म्स में लिखना है. सो 5 9s are 45, 5 20s are 100. तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा, इट वुड बी 9/20. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, राइट दिस फ्रैक्शन इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. अब आपने इसको जो है वो क्या लिखना है, ऑर्डर वाइज लिखना है, और सबसे पहले हमने जो है इसमें स्मॉलेस्ट लिखना है. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, तो आपने सिंपली क्या करना होता है फ्रैक्शंस में, तो आपने उनके डिनोमिनेटर को इक्वलाइज कर लेना होता है. तो अगर मैं डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करूँ, तब देखें इसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर है वो 20 है. तो अगर हम सबके डिनोमिनेटर्स में 20 बना लें, तो फिर हमारे लिए काम बहुत इजी हो जाएगा. अब इस 5 को मैं 20 बनाना चाहता हूँ, तो 5 को 20 बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो काम आपने डिनोमिनेटर में करना है वही सेम प्रोसेस आपने न्यूमिनेटर में भी करना होगा. ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने 20 बनाना है, तो 10 को 20 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और न्यूमिनेटर में भी इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो इट वुड बी 16/20, 14/20, 17/20. ठीक है, अब देखें, अब आपने देख रहे हैं, अब इनके डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए हैं. तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, तब आपने लिखना है सबसे स्मॉलेस्ट. तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको कौन सी नज़र आ रही है, अब देखें डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो सिर्फ आपने न्यूमिरेटर्स को देखें, तो न्यूमिरेटर सबसे लेस किसका है, 14. सो 14/20 जो थी वो ओरिजिनल फॉर्म किसकी थी, 7/10 की. मतलब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, तो ये बन जाएगा 2 7s are 14 और 2 10s are. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7/10, उससे 14 के उससे बड़ा कौन सा है, 16. तो 16 हमारे पास कैसे आया था, आप देखें 4 4s are 16, 4 5s are. तो उसके बाद आ जाएगा 4/5. नेक्स्ट हमारे पास है जी, लास्ट में हमारे पास बच जाती है ऑप्शन 17/20. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिमेट्री फॉर ईच लाइन. अब हमने सिंपली क्या करना है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमने लिखनी है. अब देखें इसमें हमारे पास जो है वो हमने देखना है कि बेसिकली कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमारे पास जो है वो बनेगी. तो अगर आप जो है वो इस तरह से देख लें बिल्कुल सेंटर से, तो एक तो आपके पास जो है वो बिल्कुल इस तरह से सेंटर से, जो अगर हम इसको इस तरह से करें तो एग्जैक्टली मैच ये एक दूसरे के ऊपर हो जाए. लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी लाइन को आप इस तरह से मोल्ड करें कि वो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर जो है वो मैच कर जाए. ठीक है, और अगर आप जो है वो इसको इस तरह से कट करें इस तरह से, तो फिर भी जो है वो क्या होगा, ये शेप एग्जैक्टली इसके ऊपर मैच कर जाएगी. या फिर अगर आप इसे जो है वो कुछ इस तरह से करें, तो फिर भी आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो एग्जैक्टली सेम जो है वो एक दूसरे के ऊपर मैच कर जाएंगे. ठीक है, तो इट मीन्स इसमें जो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी वो कितनी होंगी, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी हमारे पास. अच्छा, उसके बाद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर. अब देखें इसमें हमारे पास जो है वो 3 शेडेड पार्ट हैं और 3 अनशेडेड पार्ट हैं. तो जब आप इसको रोटेट करेंगे, तो इट मीन्स ये 3 तरह से रोटेट होगी. तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर हमारे पास सिंपली क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 शेडेड हैं और 3 अनशेडेड हैं. तो ये बहुत ईजी सा है, क्योंकि जब आप इसे रोटेट करेंगे, तो 3 दफ़ा एग्जैक्टली सेम शेप आपको देखने को मिलेगी. तो इसका ऑर्डर 3 होगा. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री. अब देखें ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है. अगर तो ये हमारे पास जो है वो एक सिंपल सा स्क्वायर होता, शेड ना होता, तो फिर हम देखते, तो फिर हम इसमें जो है वो अगर इस तरह कट करते, तो ये पार्ट एग्जैक्टली इसके ऊपर मैच कर जाता, और अगर सेंटर से कट करते तो ये इसके ऊपर कट कर जाता. तो इसको काफ़ी तरीकों से जो है वो हम काफ़ी वे से जो है वो इसको मोल्ड कर सकते थे. बट अभी क्या है, अभी हमारे पास ये जो पार्ट है हमारे पास, अगर मैं इसको इस तरह फॉर एग्जाम्पल सेंटर से कट करता हूँ, अगर इस सेंटर से कट करके आप इस पार्ट को इसके ऊपर जो है वो फोल्ड करेंगे, तो ये देखें ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के ऊपर आएगा,
तो ये पार्ट एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल शेडिड है और इसमें सिर्फ इतना पार्ट ही शेडिड है। तो इट मीन्स अगर आप इस पार्ट को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये एग्जैक्टली इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको इस तरह से फोल्ड करें तो वो एग्जैक्टली मैच कर जाए। तो अगर आप इसको इस सेंटर से बिल्कुल कट करके इस पार्ट को इसके ऊपर फोल्ड करते हैं तो देखें ये जो हाफ शेडेड पार्ट है वो इसके ऊपर आएगा और ये जो है वो इसके ऊपर। तो इट मीन्स इसमें हमारे पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास ऐसा सिनेरियो है नहीं कि एग्जैक्टली सेम हो जाए। उसके बाद हमारे पास है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू। अब हम सिंपली क्या करते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको रोटेट करके देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये इस तरह से पड़ा है, इसमें इसको हम क्या करते हैं 180 के एंगल के साथ इसको हम रोटेट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो ये हमारे पास किस तरह से हो जाएगा 90 और ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो ये वाली शेप ये देखें, ये मैंने जो है वो इसको 180 के एंगल के साथ मूव किया और दोबारा इसको मैं 90 पर रखता हूँ। ये देखें ये 90 के साथ अगर मैं इस तरह से रखूं और चाहे मैं इसे 180 के साथ रखूं तो आपको इसमें कोई डिफरेंस नज़र आएगा? बिल्कुल भी नहीं। इट मीन्स अगर आप इसको 180 डिग्री के साथ एंगल के साथ रोटेट करें तो ये हमारे पास जो है वो इसमें एक दफ़ा होगी। अब देखें ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर शेप में टोटल एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्रीज होता है। तो अगर आप 360 डिग्रीज है और हमारे पास अभी मैंने आपको 180 के साथ रोटेट करके दिखाया था, अगर आप इसको 180 डिग्री के साथ एंगल के साथ रोटेट करें तो देखें 180 182 360। इट मीन्स हमारे पास इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसका जो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 होगा, कि दो दफ़ा अगर ये रोटेट हो तो एग्जैक्टली अपनी सेम पोजिशन पर ये वापस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास जो है वो पाई चार्ट्स का है। 3 ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स वर ईच आस्क देयर फेवरेट फ्रूट, जो है वो 20 लोग ऐसे हैं जो एप्पल को लाइक करते हैं, 25 ऐसे लोग हैं जो बनाना को लाइक करते हैं और 15 ऐसे हैं जो ऑरेंजेस को लाइक करते हैं और टोटल हमारे पास जो है ये कितने हैं, 60 हैं। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने इनके जो है वो एंगल्स को निकाल लेना है कि आपके पास बेसिकली ये कितना होगा। अगर लेट्स सपोज मैं सबसे पहले एप्पल का एंगल निकालूं, एप्पल का हमारे पास सेंटर एंगल निकालूं, तो आपने किस तरह से करना है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल टाइम्स 360 डिग्री। अब देखें उसकी फ्रीक्वेंसी एप्पल्स की कितनी थी, 20 थी, टोटल वो कितने थे, 60 थे, टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री। अब देखें 0 से 0 क्या आ जाएगा, कैंसर, 6 ones are 6, 6 6 are 36, तो ये 20 times 6, तो अगर आप 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्रीज। इट मीन्स हमारे पास ये सर्कल है, तो सर्कल में कंप्लीट जो हमारा सर्कल जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, कंप्लीट रोटेशन उसमें होती है 360 डिग्रीज की। तो इट मीन्स एप्पल का जो सेंट्रल एंगल है वो हमारे पास 120 डिग्रीज का है। अच्छा, उसके बाद एप्पल में तो एंगल हमने बना लिया, उसके बाद हमने बनाना के लिए चेक करते हैं, तो बनाना के फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल टाइम 360। अब हमने बनाने के लिए बनाना है तो बनाना की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 25 अपॉन टोटल विच इज 60 टाइम्स 360। अब 60 ones are 60, 66 आर क्या होता है, 360 होता है, तो 25 टाइम्स 6 तो आ जाएगा 150 डिग्रीज। इट मीन्स हमारे पास जो बनाना का सेंट्रल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 150, इसका है 120, और इसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका भी सेम उसी तरह से 15 अपॉन 60 टाइम्स 360। सो 60 ones are 60, 66 आर क्या होता है, 360, 15 6 आर हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। इट मीन्स हमारे पास अब हम इसमें हम जो है वो एक स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल इट मीन्स हमारे पास अब जो है वो ये एक सेम इस तरह से स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ठीक है जब आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये बेसिकली जो एंगल होगा ये किसको शो करेगा, ये एंगल हमारे पास एक राइट एंगल है और राइट एंगल हमारे पास किसको शो करता है, 90 डिग्री को। तो 90 डिग्री एंगल किसका बन रहा था, ऑरेंज का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑरेंज। ये हमारे पास क्या था, एप्पल था, और ये हमारे पास देखें ये 120 है, ये 90 है, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा ये हमारे पास बनेगा 150 डिग्रीज, जो कि किसको शो कर रहा था, 150 डिग्री किसका सेंट्रल एंगल था, बनाना का। तो ये हमारे पास इस तरह से आपने इनको
फॉर्म करना है. ओके तो ये हमारे पास पाई चार्ट बन गया. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर सॉरी अभी पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर या सॉरी 4 ही है. सो राइट 6478549 करेक्ट टू नियरेस्ट मिलियन. अब आपने क्या करना है, इसको नियरेस्ट मिलियन के तौर पे इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, करेक्ट करके लिखना है. आप देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन. अब हमने इसको नियरेस्ट मिलियन के पे राउंड ऑफ करना है. ओके अब देखें ये हमारे पास यूनिट है, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, ये हमारे पास 1000 प्लेस, ये 10,000, ये 100,000 और ये मिलियन. अब जहाँ भी आपने इसको राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट वाला नंबर देखना है. अगर तो वो 5 से ग्रेटर है तो आपके पास क्या होगा, जिसको आपने राउंड ऑफ करना है उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा. अब देखें ये 7 है जो कि 5 से ग्रेटर है. अगर ये 5 से ग्रेटर है इट मीन्स ये 4 क्या बन जाएगा, 5, ये बन जाएगा 6, 5 और ये बाकी जो वैल्यूज होंगी क्या बन जाएगी, 0. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. इस 4 के बाद 6 वैल्यूज थे तो 6 हमने जीरोस लगा देने. तो हमारे पास इसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं 6, 5 इस तरह से. ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर. अब आपने इसको क्या करना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक एस्टीमेट करते हुए इसको सॉल्व करना है. अब देखें 1 सिग्निफिकेंट फिगर, हर नॉन जीरो नंबर जो होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है. तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 6 है जो कि एक सिग्निफिकेंट नंबर है. तो आपने इससे नेक्स्ट वाला नंबर देखना है. अगर तो वो 5 से बड़ा है, ये 7, अब देखें ये 5 से बड़ा है. तो अगर ये 5 से ग्रेटर है तो इट मीन्स ये 6 में 1 ऐड हो जाएगा. तो 6 में 1 ऐड होगा तो ये कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा, क्योंकि ये 6, 7 बन गया और ये नंबर क्या बन गया, 0. प्लस सेम इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे. अब देखें इसको भी हमने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है. तो ये 4 है, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 9 है जो कि 5 से ग्रेटर है. तो अगर ये 5 से ग्रेटर है इट मीन्स 4 में 1 ऐड हो जाएगा. तो 1 में अगर ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, 5 और ये नंबर बन जाएगा 0 अपॉन. अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 0.187. अब देखें इसमें मैंने कहा था कि आपके पास नॉन जीरो नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सिग्निफिकेंट है तो इससे नेक्स्ट वाला नंबर 5 से ग्रेटर है. तो अगर ये 5 से ग्रेटर है तो ये बन जाएगा 1 में 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.200 भी लिख सकते हैं क्योंकि बात सेम ही है. तो 0.2 स्क्वायर, तो 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 0.2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.04. अब सिंपली हम क्या करते हैं, 120 अपॉन, अब मैं इसका अगर पॉइंट रिमूव करूं तो पॉइंट के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 100. ठीक है अब देखें जब हमारे पास फ्रैक्शन में 3 वैल्यूज हो जाती हैं तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होता है. इट मीन्स 120 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 120 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 4. तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 ones are 4, 4 30s are हमारे पास क्या होता है 120. 30 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3000. तो इट मीन्स अगर आप इसको एस्टिमेट करके लिखें तो इसका एस्टिमेटेड आंसर कितना होगा, 3000 होगा. अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि उमर एंड जमील शेयर $540 इन द रेशियो 7:2. वर्क आउट उमर शेयर. अब देखें उमर एंड जमील, अब देखें उमर की जो रेशियो बन रही है वो कितनी है, 7 है और जमील की जो रेशियो है वो कितनी है, 2 है. अब आपने फाइंड आउट करना है कि उमर का बेसिकली शेयर कितना है. ठीक है उमर की जितनी रेशियो है वो 7 है अपॉन सम ऑफ रेशियो. सम ऑफ रेशियोज का मतलब ये दोनों रेशियोज को आप ऐड कर लें, 7 + 2 कितना बन जाएगा, 9 टाइम्स टोटल जो उनका शेयर था जो कि $540 था. अब आप इसको सॉल्व कर लें, 9 ones are 9, 9 60s are क्या होता है हमारे पास 540, तो 7 multiplied by 60. तो 7 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इट वुड बी 7 ones are 0 हो जाएगा और 7 6s are 42. तो $420 जो है वो उमर का शेयर है. ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है इसमें पार्ट बी है, इंक्रीज 40 इन द रेशियो 5:8. अब लेट्स पर अब देखें ये 5:8 जो है ये रेशियो फॉर्म में है. तो रेशियो को आप जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इट मींस ये हमारे पास बन जाएगा 5/8. अब आपने क्या करना है,
इस 40 में आपने इंक्रीज करना है. लेट सपोज आपने 40 में जो नंबर इंक्रीज करना है, लेट सपोज जो आपने इंक्रीज करना है वो एक्स है, ठीक है. अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में था, हम कहते हैं कि 40 में हमने इंक्रीज करना है लेट सपोज एक्स, कोई एक अननोन नंबर हमने करना है, ठीक है. अब आपने इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 8 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें और ये इससे, सो ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स. अब देखें, अब हमने इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो एक्स इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स 40 अपॉन 5, 5 वन ज़ार 5, 5 एट ज़ार 40 होता है, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 एट ज़ार कितना आ जाएगा 64. इट मीन्स अगर आप 5:8 के साथ 40 को इंक्रीज करें तो ये कितना बन जाएगा 64. ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स, द बेस ऑफ क्यूबॉइड. एक आपके पास क्यूबॉइड है, इज द स्क्वायर जिसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप की है विद साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर. अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हम जो है वो इधर क्यूबॉइड को ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे मैं आपको क्यूबॉइड ड्रॉ करके थोड़ी सी चीज़ें हैं वो समझा देता हूँ. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्यूबॉइड, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इस तरह से मैं लेट्स सपोज इसको, क्योंकि इसकी बेसिस जो हैं वो स्क्वायर शेप की हैं और स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है, तो मैं इस तरह का क्यूबॉइड आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझने में, ठीक है. अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि इसकी बेस जो है वो किस तरह की है, स्क्वायर शेप की है. अब देखें लेट्स सपोज ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाए, ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ये हाइट जो है वो हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है. इस तरह से मैंने आपको बना के दे दिया. अब वो कह रहा है वॉल्यूम भी उसने हमें बता दिया कि उस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास है 48 सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो हमारे पास उसकी बेसिस हैं जो कि स्क्वायर शेप की हैं और हर साइड जो है वो 4-4 की है, तो उसकी हाइट अब हम फाइंड आउट करेंगे बेसिकली उस जो उसकी बेस स्क्वायर शेप की थी, ठीक है. अब हमने फाइंड आउट करना है कि उस क्यूबॉइड की हाइट कितनी होगी. तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा वी इज इक्वल्स टू लेंथ टाइम ब्रेथ टाइम हाइट. वॉल्यूम हमें ऑलरेडी बता दिया गया था जो कि 48 सेंटीमीटर क्यूब था, तो वॉल्यूम की जगह आ जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, अब लेंथ हमारे पास, अब देखें लेंथ और ब्रेथ जो है वो हमारे पास ये एक स्क्वायर शेप है, तो इट मीन्स लेंथ और ब्रेथ सेम है जो कि 4-4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ की जगह भी हम क्या लिख देंगे, लेंथ की जगह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर टाइम्स ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर टाइम्स हाइट जो कि आप फाइंड आउट करेंगे. सो 48 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 4-4 = 16, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम हाइट, या 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरह जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो एच इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब 16 ones are 16, 16 threes are हमारे पास बन जाएगा 48. इट मीन्स इसकी जो हाइट आती है वो हमारे पास आती है 3 सेंटीमीटर. तो अब आपने क्या करना है, इस तरह का आपने नेट बनाना है जिसमें हाइट जो होगी वो उसकी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी. तो अब आपने क्या करना है, इसको हर साइड पे 3 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देना. ओके, अब देखें इस तरह से यहाँ पे भी ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सॉरी 3 3 boxes आपने करना है, तो ये 1 box, ये 2 box, यहाँ पे इसको भी 3 boxes जो कि यहाँ पे हो जाएगा, ये नहीं है, ये 1 2 3, ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 and 3 और 1 2 and 3. ओके, सेम इस तरह से 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 and 3. अब आपने इसको जो है वो मैच कर देते हैं, इसको अब हम ज्वाइन कर लेते हैं. लेट्स सपोज इस तरह से इसको हम ज्वाइन करवाते हैं.
ठीक है। अब देखें, ये हमने जो है वो एक बना लिया उसका नेट, एक ओपन नेट। अच्छा, उसके बाद जो है वो अभी हमारे पास एक पार्ट रहता है जो कि उसका जो टॉप वाला पार्ट था वो भी हमारे पास स्क्वायर शेप का था। तो अगर ये स्क्वायर शेप का था, स्क्वायर की लेंथ उसने हमें बताई थी जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स अब हम इधर से देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। फोर तक इसको भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्यूबॉइड का हमने जो है वो नेट बना के दे दिया जो कि ओपन फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले उसने हमें कहा था कि क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम बता दिया गया है, आपने क्या करना है कि उसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप की है, उस स्क्वायर शेप की बेस को यूज़ करते हुए हमने उसकी हाइट निकाली जो कि हमारे पास कितनी थी, 4 थी। तो उसकी जो इट मीन्स उसकी जो बेस थी वो हमारे पास 3-3 की थी, तो हमने क्या किया, हर साइड को उसको 3 पे एक्सटेंड कर दिया। उसकी जो हमारे पास हाइट थी वो एग्जैक्टली 4 की थी, तो बाद में हमने उसकी जो हाइट थी, सॉरी हाइट उसकी 3-3 थी, इट मीन्स हमने उसको 3-3 एक्सटेंड किया। और लास्ट में जो है वो उसका जो टॉप वाला पार्ट था वो भी हमारे पास किस तरह का था, वो हमारे पास जो था वो स्क्वायर शेप का था जिसको हमने 4 तक इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कह रहा है कि अ बैग कंटेन कलर्ड काउंटर्स, एक बैग है जिसमें कलर्ड काउंटर्स हैं, रेड की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, ग्रीन की 0.3 है, येलो की 0.42 है, और आपने फाइंड आउट किसकी करनी है, ब्लू की फाइंड आउट करनी है। अब देखें बेटा, किसी भी चीज़ की अगर प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स में हो तो वो टोटल जो पॉइंट्स में प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। देखें ये 0.15 है, ये 0.3 है, ये 0.42 है, इट मीन्स इनकी जो प्रोबेबिलिटी टोटल होगी वो होगी 1 होगी। तो अगर आप 1 में से ये सारी प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर दें, 0.15, 0.3 और 0.42, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो बेसिकली जो निकलेगी वो ब्लू कलर की होगी। पहले मैं क्या करता हूँ, इन सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेता हूँ, 0.15 को, 0.3 को और 0.42 को हम ऐड कर लेते हैं। 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7, 4, 3, 7 और 8, तो इट मीन्स ये हमारे पास इन सब को हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 0.87। तो 1 में से अगर आप 0.87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.13, इट मीन्स हमारे पास जो ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी, 0.13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्कआउट, इसको हमने जो है वो ये मिक्स फॉर्म है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये अब देखें मिक्स फॉर्म को किस तरह सॉल्व करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसमें न्यूमिरेटर को हम ऐड कर देते हैं। 5 3 इधर क्या आ जाएगा, 15, 15 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 17/5 माइनस 4 1 4, 4 प्लस 3 7/4। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ जाएं और उनमें जो है वो मिडल में प्लस का या माइनस का साइन हो तो उनके डिनोमिनेटर लाजमी सेम होने चाहिए, बट इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यू से। इस 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 68/4 5 20 माइनस 5 7 35, 5 4 20। अब देखें इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो डिनोमिनेटर को हम 1 टाइम लिख देंगे, तो 68 में से हम 35 को माइनस कर देंगे, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। सो 33/20, सो 33/20 सिंप्लीफाई हो नहीं सकते, तो इट मीन्स हमारे पास इसका आंसर होगा 33/20। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो है वो हमें कह रहा है द स्केच शोज द पोजिशन ऑफ 3 विलेजेस। अब आपके पास एक स्केच है जिसमें आपको पोजिशन बता रहा है 3 विलेजेस की, ए बी एंड सी। ए इज़ ड्यू ईस्ट ऑफ बी, ए जो है वो बी का ड्यू ईस्ट है। यूज़ अ रूलर एंड कंपास ओनली टू कम्प्लीट द स्केल ड्राइंग ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यूज़ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर। इसमें वो आपको एक स्केल दे दिया गया है, उसने हमें कहा है कि जो 1 किलोमीटर है बेसिकली वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। इट मीन्स अगर ये 8 किलोमीटर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, अगर ये 5 किलोमीटर्स है तो ये 5 सेंटीमीटर्स होगा, ये 9 किलोमीटर है तो ये बन जाएगा 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखें,
अब हमारे पास जो है वो इतनी हमें लेंथ बता दी गई है कि ए से लेके बी तक की लेंथ आपको पता है कि वो आपको ए से बी तक की लेंथ कितनी थी, 9 किलोमीटर थी, लेकिन उसने स्केल बताया था कि 1 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर के, तो इट मींस ए से लेके बी तक या बी से लेके ए तक की जो लेंथ है वो कितनी थी, 9 किलोमीटर थी, जिसे हम स्केल फैक्टर के हिसाब स्केल के हिसाब से 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। सो इट इज़ 9 सेंटीमीटर। तो ए से लेके बी तक की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो बी से लेके सी तक हमारे पास जो लेंथ आती है वो कितनी आती है, 8 सेंटीमीटर्स आती है। तो बी से लेके हम जो है वो बी से सी तक की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर्स है, तो हम बी से लेके सी तक की लेंथ को मेजर कर लेते हैं विच इज़ 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है वो हम इसको अपने जो है वो उसको ओपन कर लेंगे 8 सेंटीमीटर। अब देखें इस तरह से जो है वो आपने ओपन कर लेना है उसको। तो मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ को कि इसी को यूज़ करते हुए। सो दिस इज़ तो लेट्स सपोज, अब क्योंकि ये मेरे पास ये वाली है तो इस पर 8 है नहीं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके, लेट्स सपोज ये 8 का ही है, ठीक है, एग्जैक्टली ये 8 का नहीं है, लेकिन जो है वो कंसीडर करेंगे ये 8 का ही है। तो बट आपने मेथड को समझना कि किस तरह आपने करना है। अब आपने बी से लेके यहाँ तक जो है वो एक आपने आर्क लगा दिया विच इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कह रहा है बी से सी तक की लेंथ कितनी थी, 8 किलोमीटर थी, जो स्केल के हिसाब से 8 सेंटीमीटर, और ए से लेके सी तक की लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। सो 5 हमारे पास बनेगा कुछ यहाँ पे, सो 5, इसको मैं 5 तक ओपन कर लेता हूँ। सो ए से लेके यहाँ तक हमारे पास बन जाएगा ये 5। तो जहाँ पे ये एक दूसरे, अब देखें ए से लेके यहाँ तक मैंने जो है इसको ज्वाइन किया, तो जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ से आपने जो है वो इनको मिला देना है। तो यही चीज़ हमें जो है वो रिक्वायरमेंट थी, यही हमें जो है वो चाहिए था। तब हम इसको ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ज्वाइन करना है। सही है, तो ये आपके पास क्या था, ए था, बी था, ये हमारे पास क्या था, सी था। ए से लेके सी तक की लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर्स। बी से लेके सी तक की लेंथ कितनी थी, 8 सेंटीमीटर्स। अब आपने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, मेजर द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। अब आपने बेयरिंग फाइंड आउट करना है सी फ्रॉम बी, इट मीन्स आपने जो है वो इस तरह से जो है वो इस पे रखना है, ये जो नॉर्थ है इस पे आप रखेंगे, इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। अब आपके पास आपने इसको जो है वो अपनी कंपास को जो है वो इसको प्रोटेक्टर को किस तरह से रखना है, अब देखें इसका जो बिल्कुल मिडल वाला पार्ट आ रहा है, ये जो मिडल वाला अब देखें इसका जो मिडल वाला पार्ट आ रहा है हमारे पास, ये मिडल पार्ट जो होगा सेंटर पॉइंट ये यहाँ पे प्लेस होगा, और ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है ये जो नीचे वाली, ठीक है, ये इस नॉर्थ के ऊपर आएगी, और ये जो हमारे पास 90 डिग्री वाला एंगल आपको ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है ये इस लाइन के ऊपर आएगी, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से प्लेस करना है, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपके पास ये जो बेसिकली लाइन है, ये जो सी वाली लाइन है, ये आपको किस एंगल पे जाती नज़र आ रही है, सो विच इज़ बिटवीन 120 एंड 30। सो 120 और 30 के बिटवीन हमारे पास क्या होता है, 125। तो इट मीन्स हमारे पास बी से लेके सी तक का जो बेयरिंग होगा वो कितना होगा, 125 डिग्रीज का। सो 120 और 130 के बिटल में हमारे पास जो था वो 125 था। सो बी से लेके सी तक का जो बेयरिंग हमारे पास होगा वो कितना होगा, 125 का बेयरिंग होगा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आपने बेयरिंग कैलकुलेट करना था, इसमें बस थोड़ा सा जो है वो कैमरा हिल गया था। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कह रहा है कि राइट 270 इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 270 को हमने इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, सिंपली आप इसको क्या कर रहे हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 270 की। अब ये 270 एक इवन नंबर है, दैट मींस आप इसे 2 पे फैक्टराइज कर सकते हैं। सो 2
135 क्या आ जाएगा 270। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसको हम सॉल्व करते हैं 3 4 12, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 5 15, 3 15 45 और 3 5 15, और ये बन जाएगा 5 5। तो 270 के हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे पास क्या आए हैं, 2 टाइम्स, अब देखें 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 3 क्यूब टाइम्स 5। ठीक है, अब आपने सिंपली नीचे क्या करना है, अब नीचे आपने है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 270 एंड 225। 270 का 225 का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो 270 के फैक्टर्स अभी आप फाइंड आउट करके आए हैं, विच इज़ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा था, और टाइम्स 5, और 225 के फैक्टर्स अभी भी हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से 225 के फैक्टर्स आते हैं। अब ये जो है वो हमारे पास इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इट मीन ये 5 पे ही डिविजिबल होगा, तो 5 4 20, सो 2 इधर गया, सो 5 5 3 15 3 5 एंड 5 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, और 5 भी 2 टाइम्स, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन नंबर देखते हैं, कॉमन देखते हैं इसमें हमारे पास कॉमन कितने आते हैं, सो एक तो ये 3 कॉमन है, ठीक है, एक ये 3 कॉमन है, अब किसी भी 2 3s को मिला सकते हैं, और एक ये 5, ठीक है। अब इसमें कॉमन हमारे पास कितना आ रहा था, 3 टाइम्स, ये जो कॉमन है इसे आपने 1 काउंट करना है, सही है, 1 टाइम में लिखना, सो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5, 3 3 9 9 5 45। अब HCF का बेसिकली मतलब क्या होता है, HCF का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये होता है कि वो हाईएस्ट कौन सा नंबर है जो इन दोनों गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सके। सो 45 वो एक ऐसा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को एट अ टाइम डिवाइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, शो योर वर्किंग। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, तो अब हम इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए ज़रूरी है कि किसी भी एक के हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, चाहे वो एक्स वेरिएबल के चाहे वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो चाहे तो आप एक्स वाले के कोफिशिएंट्स को सेम बना लें, चाहे वाई को, तो मैं वाई वाले को सेम बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्लस का साइन है, एक माइनस का, तो इसको करना थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इसके कोफिशिएंट को सेम किस तरह से बनाना है, फर्स्ट इक्वेशन में जो वाई का कोफिशिएंट है जो कि 2 है, आपने इस 2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 2s क्या बन जाएगा 4x, माइनस 2 3s 6y, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करना, ओके, सो 2 18s 36, ठीक है। इस y का जो कोफिशिएंट था उसको हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस y का जो कोफिशिएंट विच इज 3, इस 3 को आपने इन सब से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 5s क्या हो जाएगा 15x, और इसके साथ ऑलरेडी माइनस था, सो 3 2s क्या बन जाएगा 6y इज इक्वल टू 3 7s हमारे पास क्या बन जाएगा 21। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, अब देखें प्लस माइनस माइनस, तो 6y और 6y प्लस माइनस माइनस, 6y में 6y माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 15x प्लस 14x कितना हो जाएगा हमारे पास 19x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 हमारे पास बन जाएगा 57, तो हमारे पास 19x इज इक्वल टू आ जाएगा 57। तब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 19 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 57 अपॉन 19, सो 19 1 19 19 3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। x का आंसर हमारे पास कितना आया जी 3। अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन थी 5x plus 2y equals to 7, 5 as it is आ जाएगा, x की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है which is 3, तो x की जगह मैं 3 रिप्लेस कर दूंगा, प्लस 2y equals to 7, सो 5 3s 15, 15 plus 2y is equals to 7, अब 15 जिसके स्टार्ट में कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, 15 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो 2y is equals to 7 minus 15, सो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -8, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके आ जाएगा डिवाइड, सो -8 upon 2, 2 1s 2 2 4s, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -4। तो इस तरह से आप जो है वो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 12,
लारा गोज फॉर अ साइकिल राइड, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अवर जर्नी। लारा जो है वो क्या करती है, एक साइकिल राइड पे जाती है, उसकी हमें जो है वो जर्नी पता चल चुकी है। हमने क्या करनी है, कैलकुलेट कैलकुलेट सॉरी कैलकुलेट लाराज एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब हमारे पास जो है वह अब हमारे पास इस पॉइंट्स को हम जो हैं वो देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको बेसिकली टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है और टोटल टाइम उसको कितना लगा है। अब टोटल डिस्टेंस उसका यहाँ पे आके ओवर हो चुका है, तो आपने इसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को देखनी है। अब देखें ये 25 है, तो 25 से नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, 24। इट मीन्स 24 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टाइम उसको कितना लगा है। अब देखें 10 से लेकर 11 तक कितने आवर बन जाएंगे, 1 आवर बन जाएगा, और आगे ये हाफ आवर और है, इट मीन्स 1 आवर और 30 मिनट्स। तो 1 आवर 30 मिनट्स को आप आवर्स की फॉर्म में किस लग, अब देखें ये जो आवर है ये कंप्लीट है और ये आवर हाफ है, इट मीन्स हमारे पास जो टोटल उसको टाइम लगा है वो 1.5 आवर लगा है। तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना था, 24 किलोमीटर्स अपॉन जो उसको टोटल टाइम लगा है विच इज़ वन एंड हाफ आवर। सो 1.5 आवर को आप 1.5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, सो 24 अपॉन, अब हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो 0। अब हमें पता है कि जो अगर फ्रैक्शन में 3 वैल्यूज आ जाएं तो फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 24 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 240 अपॉन 15। ठीक है, सो 15 16 कितना होता है 240। इट मीन्स हमारे पास उसका जो एवरेज स्पीड आएगी वो आ जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें है पार्ट बी, अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करती है 10 मीटर पर सेकंड फॉर 80 सेकंड। 80 सेकंड्स तक उसकी जो कांस्टेंट जो स्पीड रहती है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है विच इज 10। तो ये उसकी स्पीड है और ये उसका इनिशियल टाइम है। इट देन डीसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंटिल इट स्टॉप्स। वो क्या करती है, वो डीसेलरेट होने लग जाती है 0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर के लिहाज से जब तक वो रुकती नहीं है। ऑन अ ग्रिड ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी। अब उसकी जर्नी के लिए आपने स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसको प्लॉट करके दिखाना है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो आपके पास जो टाइम है वो किस में गिवन है, आपका जो टाइम प्रोवाइड किया गया था वो सेकंड में है और आपकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में गिवन है। आपको पता है कि 80 सेकंड में उसने कितनी स्पीड कवर की थी, 10 मीटर पर सेकंड थी उसकी स्पीड। इट मींस हमारे पास अब हम क्या करते हैं, सो ये 80 था सॉरी, तो ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। इट मीन्स इसमें हमारे पास जो है वो 80 सेकंड्स में उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है। नेक्स्ट ये बात ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। इट देन डीसेलरेट, डीसेलरेट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन होती है जिस तरह से वो मूव कर रही है। अब डीसेलरेट का मतलब ये है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू कर दिया है। ठीक है, डीसेलरेशन का मतलब ये है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, डीसेलरेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये 0.5 जो है हमारे पास बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन क्योंकि ये डीसेलरेट हो रही है इस रेट के लिहाज से। ओके, अब स्टॉप, जब वो रुक जाएगी तो ये उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी बन जाएगी, 0। ठीक है, अभी वो चल रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, 10 है, जो कि उसकी इनिशियल स्पीड है। जब वो रुक जाएगी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। इट मीन्स उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो उसकी एक्सेलरेशन ये है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, ऑन द ग्रिड स्पीड फॉर द जर्नी। अब हमें उसका टाइम बताना है कि बेसिकली उसका टाइम कितना होगा। अब देखें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास VF - VI / T। ओके, अब हम इसका टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा T = और ये A मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा VF - VI / A। सो T = अब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 10, स्पीड मतलब,
अपॉन उसकी जो एक्सेलरेशन थी हमारे पास कितनी थी, नेगेटिव, डिसेलरेट हो रही थी, इट मींस उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव थी, विच इज़ जीरो माइनस 0.5। तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, माइनस 10 अपॉन माइनस 0.5। तो जब 10 को आप जीरो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 10 को आप 0.5 से डिवाइड करेंगे तो इसका टाइम आ जाएगा 20 सेकेंड। ठीक है, अब देखें 80 सेकेंड तो उसकी जर्नी ऑलरेडी थी कि 80 सेकेंड में तो वो कवर कर रही थी। जब वो, अब हमने बताना है कि कितने सेकंड बाद वो रुक जाएगी अगर वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिहाज से आहिस्ता हो रही है, तो 80 मिनट वो चल रही है, इट मींस 20 मिनट बाद जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी। तो आप 80 को 20 में ऐड कर दें तो आपका जो टाइम होगा वो बनेगा 80 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो 80 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 100। इट मींस 100 सेकंड के बाद वो जो आप उसकी जो स्पीड होगी वो बिल्कुल रुक जाएगी। तो अब आपने अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो 100 तक ले आना है, तो इट मींस ये हमारे पास जो है वो इस तरह से आपने इसको शो करवाना है। ठीक है, इसको मैं जो है वो स्केल से ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका बनना था। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कह रहा है, राइट 0.000053 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा वही फॉर्म होती है जिसमें पॉइंट जो होता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होता है। हमारे पास क्वेश्चन है 0.00053। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें पॉइंट जो होता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होता है। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है, 5 है। इट मीन इस पॉइंट को हमने यहाँ तक मूव करवाना है, तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ तक मूव करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 5.3। अब ये कितनी वैल्यूज मूव किया इस साइड पे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 वैल्यूज मूव किया है। तो वो जितनी वैल्यूज मूव करेगा उसे आपने टेंस की पावर में लिखना है। तो अगर तो वो पॉइंट मूव किया लेफ्ट टू राइट तो उसकी पावर होगी नेगेटिव। तो इट मीन इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी 5.3 × 10⁻⁵। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.5 × 10⁻¹⁴ × 8 × 10⁻⁶। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। अब देखें आपने सिंपली क्या करना है, 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 1.5 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 × 8। अब आप इसका पॉइंट रिमूव कर लें तो ये बन जाएगा 15 upon 10 × 8। 5 2 are 10, 5 3 are 15, 2 1 are 2, 2 4 are 4 3 are 12। इट मीन्स अगर आप 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12। मल्टीप्लाई, अब देखें इसकी बेस है 10, इसकी बेस पे भी 10। तो जब बेसिस सेम होती हैं और दरमियान में साइन मल्टीप्लिकेशन का होता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 6 है, ये 14 है, तो 14 + 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 20। अब आपने इसको लिखना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म वही फॉर्म होती है जिसमें पॉइंट जो होता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होता है। तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा था, 1 था। तो इट मींस इस पॉइंट को हमने 1 के बाद लगाना है। तो जिस वैल्यू के लास्ट में पॉइंट नहीं होता उसके बिल्कुल लास्ट में पॉइंट होता है। तो इट मींस इस पॉइंट को अगर आपने यहाँ पे मूव करना है, सॉरी यहाँ पे होगा पॉइंट, सॉरी यहाँ पे आपने इसको मूव करना है यहाँ से। ठीक है, अब देखें ये कितनी वैल्यू इसका डिस्टेंस कवर कर रहा है, जस्ट 1 का, तो ये आ जाएगा 1.2 × 10⁻¹। अब ये पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव हुआ है, अगर वो राइट टू लेफ्ट मूव हुआ तो ये प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁰। देखें इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है, तो जब बेसिस सेम होती हैं और दरमियान में साइन मल्टीप्लीकेशन का होता है तो पावर्स ऐड होती थी। 1 और 20 कितने बन जाएंगे, 21। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2 × 10⁻²⁰। तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास हो जाएगी, 1.2 × 10⁻²⁰। द लेंथ ऑफ अ पाथ इज मेजर्ड एज 62 मीटर करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। अब ये हमारे पास एक पाथ की लेंथ हमें पता है 62 मीटर। आपने क्या करना है, इसकी अपर बाउंड बनानी है। अपर बाउंड का मतलब क्या है, अब देखें इस तरह से हमारे पास होता है। अब इसके जो हैं वो टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसकी अपर बाउंड होती है, एक उसकी लोअर बाउंड होती है। अब आपने इसकी अपर बाउंड बतानी है और इसे आपने नियरेस्ट मीटर पे करेक्ट करके लिखना है। तो 62 प्लस, अब हमने सिर्फ इसकी अपर बाउंड लिखनी है, अपर बाउंड इसे हमने नियरेस्ट मीटर पर लिखना है, इससे इसका मतलब इसे हमने नियरेस्ट 1 मीटर पर लिखना है। तो इसकी सिर्फ हमने अपर बाउंड लेनी है, अपर बाउंड का मतलब इस टोटल का हमने हाफ लेना है। ठीक है, तो जब इस, आप देखें प्लस माइनस में लिख लेता हूँ, प्लस किसको शो करेगा, अपर बाउंड को, और माइनस किसको शो करेगा, लोअर बाउंड को। सो 62
प्लस माइनस 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 60.5। तो इसकी अपर बाउंड कितनी बन जाएगी 62 में। अब 0.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 62.5। 62 में से आप 0.5 अगर माइनस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 61.5। अब हमने इसकी क्या बतानी थी अपर बाउंड, तो इसकी अपर बाउंड क्या होगी 62.5। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है द मैस ऑफ बैग ऑफ पीनट इज 80 ग्राम। हमारे पास एक पीनट के बैग का जो मैस है वो 80 ग्राम है, उसको हमने क्या करना है करेक्ट करके लिखना है नियरेस्ट 10 ग्राम से। तो अब देखें इसकी हमने क्या लिखनी है लोअर बाउंड। तो आपको पता है कि आप 80 को आप क्या करेंगे, आपने इसकी लोअर बाउंड बतानी और इसका आपने नियरेस्ट करेक्ट करना है 10 ग्राम से। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10.5, सिर्फ इसकी लोअर बाउंड आएगी। इट मीन्स इसका भी हम हाफ लेंगे तो प्लस माइनस लगा देता हूँ, प्लस माइनस इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको अपर और लोअर दोनों का बता दूँ। ठीक है, 80 प्लस माइनस 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो 80 में 5 अगर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 85। 80 को 5 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 75। हमने क्या बतानी थी उसकी लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड उसकी कितनी है, लोअर बाउंड उसकी है 75। अब आपने सिंपली क्या करना है, कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द मैस ऑफ 5 ऑफ दीज बैग्स। इस तरह के अगर 5 बैग्स हों उनकी लोअर बाउंड कितनी होगी, तो 1 बैग की लोअर बाउंड 75 है, तो इस तरह के 5 बैग्स की कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इस तरह के 5 बैग्स की हमारे पास जो है वो होगी लोअर बाउंड 375 ग्राम्स जो है वो इसकी लोअर बाउंड होगी इस तरह के 5 बैग्स की। ओके, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15। यूज़ आ रूलर एंड कंपास ओनली इन द क्वेश्चन। अब आपने इसमें रूलर और कंपास को यूज़ करना है। कंस्ट्रक्ट द, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत मुश्किल लगते हैं बच्चों को, लेकिन ये इंतहाई आसान सवाल होते हैं। इसको सिंपल आपने अपने जिस पॉइंट को आपने करना है बिल्कुल उसी पर स्टक रहते हुए करना है। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल PQRS में अपने लोकस ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं। सबसे पहले क्या है, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम S। 6 सेंटीमीटर फ्रॉम S का मतलब ये है कि अब आपने अपनी जो कंपास है उसको आपने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। देखिए मेरे पास कंपास है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ। तो इसको हम 6 सेंटीमीटर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा, यहाँ से रख के इसको मैं इस तरह से 6 पे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपने 6 सेंटीमीटर फ्रॉम S, ये देखें S पे आपने रखना है इसको, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले आपने इस तरह से करना है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमने डन कर लिया है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम S। उसके बाद क्या कह रहा है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम QP एंड QR। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम QP एंड QR का, अब देखें ये Q और Q पॉइंट ये दोनों सेम पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। Q पॉइंट जो है इनका कॉमन पॉइंट, इट मीन्स आपने Q पे बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, फिर आपने अपनी कंपास को जो है वो ओपन कर लेना। अब इसको आपने 6 नहीं ओपन करना, अब आपने इसको थोड़ा सा ओपन कर लेना, इसको अपनी चॉइस का थोड़ा सा। अब आपने इस तरह क्या करना है, क्योंकि इसका अभी हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, अब आपने Q पे रख के यहाँ पे भी, क्यू पे रख के आप यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ कर लेंगे, क्यू पे रख के आप यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये जो इनके सेंटर पॉइंट आया है ये थोड़ा सा मैंने छोटा ओपन किया हुआ है जिसकी वजह से मसला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रख के आप करेंगे और यहाँ पे रख के, ठीक है, तो बस ये जो है वो करना था। आपने सिंपली क्या किया, इसका आपने बाइसेक्टर ड्रॉ करना था, बाइसेक्टर आपने क्या किया, क्यू पे रख के भी इस तरह से बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे भी जो आर वाला लाइन है, आर वाली लाइन, उस पर भी आपने इस तरह से बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपने इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम क्यू पी एंड क्यू आर, ठीक है, तो आपने इस तरह पे क्यू पे रख के बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, फिर आपने आर पे, फिर जो ये आपने आर्क्स ड्रॉ किए थे इन्हीं आर्क्स पे रख के आपने मिडल में एक आर्क लगाना है। ठीक है, इस पे रख के भी और इस पे रख के भी, और जहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करके दिखा देना अपना। अब देखें यहाँ पे मैं जो है वो एक इस तरह से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा इसके मिडल से,
ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास पॉइंट हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा पॉइंट भी डन हो गया है। पहला पॉइंट क्या था कि आपने फ्रॉम एस से एक इस तरह से आर्क लगाना था, दूसरा आपने जो है उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। अच्छा, उसके बाद ये आपके 3 मार्क्स हो चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है, शेड द रीजन इनसाइड क्वाड्रिलेटरल PQRS कंटेनिंग पॉइंट्स दैट आर। अब आपने क्या करना है, इसका इंटीरियर रीजन शेड करना है विच इज मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एस। एस से 6 सेंटीमीटर क्या हो, वो बड़ा हो। अब देखें, ये जहां पे मैंने आर्क लगाई थी ना, ये जो रीजन है, अब देखें ये कंपास को मैंने ओपन किया हुआ था 6 सेंटीमीटर तक का, मतलब ये देखें इस कंपास को मैंने ओपन किया था 6 सेंटीमीटर, इट मींस ये जो रीजन था ये अंडर 6 था, 6 से नीचे नीचे था। तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है मोर देन 6। तो मोर देन 6 इसका रीजन कौन सा होगा, मोर देन 6 इसका रीजन होगा ये सारा ऊपर वाला, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा जो ड्राइंग होगी, हमारा जो शेडेड रीजन होगा वो कहीं ऊपर जाके बनेगा। अब हमने दूसरा पॉइंट देखते हैं जो हमें हेल्प आउट करेगा, क्लोजर टू क्यू आर देन क्यू पी। अब हमने जो शेडिंग करनी है वो 6 सेंटीमीटर से ऊपर करनी, 6 सेंटीमीटर से ऊपर से मतलब हमारी शेडिंग कहीं ऊपर होगी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि हमने जो शेडिंग करनी है वो क्लोजर होनी चाहिए क्यू आर से देन क्यू पी। तो हमारी शेडिंग क्यू आर से नियरेस्ट होनी चाहिए, तो क्यू आर से हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट कौन सा बनेगा, ये। तो इट मीन हमारा जो शेडेड पॉइंट होंगे, शेडेड हमारे पास जो रीजन होगा वो सिर्फ ये वाला होगा। तो इस रीजन को आपने सिंपली क्या कर देना, शेड कर देना। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है वो आपका शेड होना था। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपको बहुत मुश्किल लगता है लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वाई के की होल पावर -2 इज इक्वल टू y5। इसको हमने जो है वो इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वाई के पावर -2 इज इक्वल टू y5। अब आपने क्या करना है, पार को पार से मल्टीप्लाई करना है, के को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2k इज इक्वल टू y5। अब देखें बेटा, इसमें जो बेस है वो बेस के इक्वल है, अगर बेस बेस के इक्वल है तो पार जो होगी वो पार के इक्वल होगी, अगर y y के इक्वल है तो -2k किसके इक्वल होगा, -2k वुड बी इक्वल टू 5। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो k इज इक्वल टू 5/2, और ये नेगेटिव का साइन यहाँ लग जाएगा, 2 1 2, 2.5 होता है, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2.5। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो होल पार है ये देखें ब्रैकेट के साथ आ रही है, ब्रैकेट में आ रही है, तो इट मीन्स ये आपके पास जो क्यूब है ये हर वैल्यू के साथ है। तो ये आपको पता है पावर जो होती है पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 1/3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 × 3/, ये जो हमारे पास क्यूब होगा ये भी दोनों के ऊपर आएगा, तो ये बन जाएगा 2x³। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, x/2 का क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा 2³ और x³। अब ये फ्रैक्शन बेसिकली किसको शो करती होती है, फ्रैक्शन डिवीजन को शो करती है। अब जिसकी कोई पार नहीं होती उसकी पार क्या होती है, 1, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास फ्रैक्शन बेसिकली किसको शो कर रही है, डिवीजन को, तो जब हमारे पास बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं, तो 1 में से 3 माइनस होगा तो कितना बन जाएगा, -2। तो इट मीन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, या फिर आप इस 1 को नीचे ले आए, ऊपर हमारे पास जस्ट 1 रह जाएगा, x ऊपर क्या था प्लस का 1, नीचे आके क्या बन जाएगा, ये 2³ है, x ऊपर ये प्लस का 1 था, नीचे आके क्या बन जाएगा, -1। तो 1/2 का क्यूब क्या बन जाएगा, 8, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1/8x² इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ सेल द प्राइस ऑफ कोट इज रिड्यूस बाय 25%। अब देखें, हर चीज़ की जो टोटल कॉस्ट होती है वो 100% होती है। अब उस 100% में से आपको रिड्यूस कर दिया गया है 25%। अगर उसमें से 25% आपको रिड्यूस कर दिया गया है तो इट मीन्स आपने 75% अभी पे करना है, ठीक है। इन अ सेल द प्राइस ऑफ कोट इज रिड्यूस बाय 25%। ओके, एक सेल लगी जिसमें कोट की जो प्राइस है वो 25% के हिसाब से रिड्यूस कर दी गई, और वो जो सेल प्राइस है वो बनी है $120 आफ्टर सेल। ओके,
सेल के बाद सेल में वो जो उसकी प्राइस है $120 है। इट मीन ये जो $120 आपको पास प्राइस नजर आ रहा है इस पे ऑलरेडी 25% का ऑफ हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या बताना है, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द कोट बिफोर द सेल, सेल से पहले उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी वो आपने जो है वो बतानी है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपको पता है कि 75% ऑफ, अब हमने टोटल फाइंड आउट करना है तो टोटल हमारे पास क्या कर लेंगे एक्स। तो अब देखें ये 75% क्या है, आफ्टर सेल, ठीक है, मतलब सेल जब लग जाती है, सेल की प्राइस जो है वो सेल में हमें 75% का डिस्काउंट मिल रहा है और सेल की जो प्राइस है वो कितने हैं $120। सो 75% की जगह क्या आ जाएगा अपॉन 100 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 120, 100 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरह जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। सो एक्स इज इक्वल टू 120 टाइम्स 100, 75 भी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड। सो 5 वन ज़र 5, तो ये बन जाएगा 5 15 ज़र 75, 5 20 ज़र 100, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 3 1 ज़र 3, 3 40 ज़र। सो एक्स इज इक्वल टू 40 टाइम्स 4, 44 ज़र कितना आ जाएगा $160। इट मीन्स उसकी जो कोट की पहले कॉस्ट थी वो कितनी थी $160, उसकी जो कॉस्ट थी वो पहले थी, ओके, ऑफ बिफोर सेल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एक्स, वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एक्स। अब देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिफरेंस क्या होता है। लेट्स सपोज वो कहता है कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ एक्स के, तो उसको आप लिखते हैं इस तरह से वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ एक्स। अगर वो कहता है कि वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ एक्स तब आप इस तरह लिखते हैं। जब इनवर्स की बात आएगी तो नेक्स्ट वाली वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगी और जब डायरेक्टली की बात होगी तो आपने इसी तरह से लिख देना, सही है, ये फर्क है इन दोनों में। सो वाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करने के लिए हम क्या लगाएंगे के, सो वाई इज इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू के अपॉन एक्स क्यूब। हमने क्या करना था, फाइंड द फॉर्मूला फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, अब हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स बताना है तो एक्स क्यूब डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो एक्स क्यूब इक्वल टू के अपॉन वाई, तो ये आपके पास जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाई है, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर आप चाहें आपने y की टर्म के लिए बताना तो y के लिए आपके पास यही है, इट मीन्स आपने ये वाला नहीं करना था तो इन टर्म्स ऑफ y बताना था तो यही आपका आंसर होगा y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि x हमें पता है विच इज 1 अपॉन 3, तो अब हमने ये वाली टर्म बनाई थी y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स क्यूब, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसी को यूज करते हुए की थी ना। अब हमने इसमें हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, हमने y को फाइंड आउट करना है, ओके, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू k अपॉन हमारे पास जो है वो, अच्छा सबसे पहले तो हमने जो है वो k की वैल्यू हमें पता नहीं है तो k की वैल्यू निकालने, k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इसी को यूज करते हैं। y की वैल्यू कितनी गिवन थी 24, तो y की जगह आ जाएगा 24 इज इक्वल टू, ये काम हम सारा k को निकालने के लिए कर रहे हैं। सो k अपॉन एक्स क्यूब, x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 क्यूब। सो 24 इज इक्वल टू k अपॉन 1 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो हम जब हमारे पास फ्रैक्शन में तीन वैल्यूज आ जाती हैं तो जो फर्स्ट होती है वो थर्ड के साथ क्या आती है मल्टीप्लाई होती है। सो k को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इज इक्वल टू 8k, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो k इज इक्वल टू 24 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 3, इट मीन्स k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 3 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू जबकि k की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है 3 अपॉन x क्यूब, x की वैल्यू हमें उसने खुद बताई है विच इज 1 अपॉन 3, तो x की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन 3 का क्यूब। सो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 का क्यूब क्या बन जाएगा 27। तो आपको पता है जब फ्रैक्शन में तीन वैल्यूज आ जाती हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई ही होती है। सो y इज इक्वल टू 27 टाइम 3 कितना बन जाएगा 81, तो
y की वैल्यू बन जाएगी 81। तो इस तरह से आपने करना था। तो ये k की वैल्यू निकलेगी तभी आपके पास ये y का आंसर आप बता सकते हैं। पहले आपने जो कांस्टेंट आपने लगाया था उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। ऑन मंडे 40 एडल्ट्स एंड 20 चिल्ड्रन विजिट अ म्यूजियम। ऑन ट्यूजडे 30 एडल्ट्स एंड 35 चिल्ड्रन विजिट द म्यूजियम। द कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट टिकट इज $2.50। एडल्ट की जो टिकट है वो $2.50 है और जो चाइल्ड की टिकट है वो $2 है। वर्कआउट MN। MN का मतलब आपने M को और N को मल्टीप्लाई करना है। M आपके पास कितना है 40, 20, 30, 35। इसको मल्टीप्लाई करना है 2.50 से और 2 से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। इट मीन्स 40 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.50 से। सो 40 को हम 2.50 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2.50 का मतलब 2.5 ही है तो ये हमारे पास बन जाएगा। सो 40 टाइम्स 25 अपॉन 10, 10 वन ज़ार 10, 10 फोर ज़ार 40, 4 25 ज़ार कितना आ जाएगा 100। तो ये बन जाएगा 40 को हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 100 प्लस फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को सेकंड से। 22 ज़ार क्या आ जाएगा 40 अपॉन। सेम इसी तरह से आपने 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है और 35 को 2 से। सो 35 को 2 से करेंगे ये तो 70 बन जाएगा। तो 30 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 टाइम्स 2.5, 2.5 को हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 10 क्योंकि उसका पॉइंट रिमूव होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 325 ज़ार 75। तो ये बन जाएगा हमारे पास 100 प्लस 40 कितना आ जाएगा 140 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 और 145। ठीक है, तो MN की जो कॉस्ट MN हमारे पास निकलेगा ये बनेगा 140 एंड 145। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट द नंबर इन योर पार्ट इन योर आंसर टू पार्ट ए वन रिप्रेजेंट। अब आपने ये जो MN निकाला ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, ये हमारे पास शो कर रहा है द कॉस्ट ऑफ ऑन मंडे 40 एडल्ट्स एंड 20 चिल्ड्रन द कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ऑन ये किन दो दिन गए थे, ये हमारे पास मंडे और ट्यूजडे। ऑन मंडे एंड ट्यूजडे रिस्पेक्टिवली, ये जो बेसिकली उसकी कॉस्ट है उन दोनों की, ये जो मंडे और ट्यूजडे वाले इतने एडल्ट्स और वो गए थे तो उनकी कॉस्ट है। ठीक है, द म्यूजियम इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ टिकट बाय 10%। अब म्यूजियम ने क्या किया है कि टिकट के प्राइस 10% के हिसाब से इंक्रीज कर दिए। कंप्लीट मैट्रिक्स पी टू शो द न्यू टिकट कॉस्ट। अब आपने क्या करना है, ये जो कॉस्ट है इसमें 10% के हिसाब से इंक्रीज आ गया है। तो अब आपने फाइंड आउट करना है कि अगर इसी ये जो n था ये बेसिकली कॉस्ट थी। ठीक है, ये हमारे पास किसकी थी, ये हमारे पास एडल्ट्स की टिकट थी और ये हमारे पास टू बेसिकली किसकी थी चाइल्ड की। ओके, इनमें हर चाइल्ड की टिकट में भी 10% का क्या इंक्रीज आया है और एडल्ट्स की टिकट में भी 10% का इंक्रीज आया है। तो हम फाइंड आउट करते हैं बेसिकली 2.50 में 10% का इंक्रीज आया है। तो अगर 2.50 में 10% का इंक्रीज आया है, 10% का इंक्रीज आया है किस अमाउंट में, 10% ऑफ $2.50। 2.50 तो ऑलरेडी उसकी अमाउंट थी ही थी। ठीक है, इस 2.50 में इंक्रीज आया परसेंटेज की जगह आ जाएगा अपॉन 100 टाइम्स 2.50। तो 2.50 प्लस 0 से 0 क्या आ जाएगा कैंसर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन 10 टाइम्स 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बच जाएगा जस्ट हमारे पास 2.5। तो 2.50 में हम जो है वो 2.5 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 2.50 प्लस 2.5 इस तरह से नहीं होगा। टेन परसेंट ऑफ जीरो से जीरो कैंसिल, सो 1 अपॉन 10 टाइम्स 2.50
तो ये बन जाएगा 250 पॉइंट के नीचे 1 तो जीरोज आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 25 अपॉन 100 सो इट इज़ 0.25. सो दिस इज़ बेसिकली 0.25, ओके, क्योंकि इसका पॉइंट रिमूव किया था ना. सो 2.50 प्लस 0.25, तो 2.50 में 0.25 ऐड करेंगे, 2.50 में हम ऐड करेंगे 0.25572. इट मीन्स हमारे पास जो एडल्ट की टिकट बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, $2.75 की. अब हम बच्चों की फाइंड आउट करते हैं जो कि पहले $2 की थी, 10% के इंक्रीज के बाद वो कितनी हो जाएगी. अब हमारे पास बन जाएगा 2, तो उसकी ऑलरेडी पहले ही थी, अब उसमें क्या है 10% का इंक्रीज आ रहा है, 10% ऑफ $2. तो अब हम फाइंड आउट करते हैं 2 + 10, परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा अपॉन 100 टाइम्स 2. सो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये बन जाएगा 2 + 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.4, तो ये आ जाएगा $2.4. इट मीन्स पहले जो टिकट 2 रुपीज़ की थी बाद में कितनी हो जाएगी, $2.50 की थी हो जाएगी. इस तरह से आपने फाइंड आउट करना. तो ये पार्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट बी. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 20. हेयर आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस. अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, आपने सिंपली क्या करना है, इसका फॉर्मूला जो है वो पहले मैं सिर्फ न्यूमरेटर आपको करके बताता हूँ, विच इज 12, 17, 22 एंड 27. अब देखें ये हमारे पास, इनमें अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ ना, 17 में 12 माइनस करूँ 5, 22 में 17 माइनस करें 5, 5, इट मीन्स इनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है आ रहा है. तो जिनका कॉमन डिफरेंस सेम आता होता है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, ठीक है. अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू t1 + n-1 d, ठीक है. अब हमने क्या बताना है, इसकी हमने nth टर्म बताना है. तो nth टर्म का मतलब n तो n ही रहेगा. d का मतलब क्या है, d का मतलब उनका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा था, 5 का आ रहा था, प्लस t1 का मतलब इनकी फर्स्ट टर्म जो कि 12 है. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, tn इज इक्वल टू 12 + 5n - 5n - 5. सो tn इज इक्वल टू 12 में से 5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 7 + 5n. इट मीन जो न्यूमिरेटर है उसकी nth टर्म कितनी बनेगी, 7 + 5n. अब हम डिनोमिनेटर के लिए चेक करते हैं. तो डिनोमिनेटर देखें हमारे पास कितना है, 16 है, 25 है, 36 है और 49 है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है. तो अब हम जो है वो देखते हैं कि इनका बेसिकली कितना आ रहा है हमारे पास, इनका देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है. 25 में 60 माइनस किया 9, 36 में माइनस किया 11, तो 49 में 36 माइनस करें तो 13. अब देखें, अब इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, बट अगर आप डिफरेंस का डिफरेंस चेक करें ना, 11 में 9 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 13 में 11 माइनस करेंगे तो 2. इट मीन इनका जो पहला डिफरेंस है वो तो सेम नहीं है, बट जो डिफरेंस का डिफरेंस है ना वो सेम है. इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है. तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू t1 + n-1 d1 + d2 / 2 n-1 n-2. इसको मैं बताता हूँ कि इसको इसमें वैल्यूज का मतलब बेसिकली क्या होगा. t1 का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि कितनी थी, 16 थी, प्लस nth टर्म के लिए n की वैल्यू n ही रखेंगे आप. d1 का मतलब पहला डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस का मतलब जो पहली दो टर्म्स के का डिफरेंस होगा. तो 25 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9. इट मीन्स उसका पहला डिफरेंस कितना था, 9 था. d2 का मतलब उनका जो डिफरेंस का डिफरेंस आ रहा है जो कि कॉमन डिफरेंस जो कि 2 है, तो d2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2. अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो n-1 को और n-2 को मल्टीप्लाई करेंगे, n क्या आ जाएगा, n2, n2 क्या आ जाएगा, 2n, 1n - n और 1 2 2. सो ये बन जाएगा tn इज इक्वल्स टू 16 + 9n - 9n - 9 1 9, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस n² - - प्लस 2n और n कितना बन जाएंगे, 3n + 2. तो अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ सॉल्व होता है. सो tn इज इक्वल्स टू n² और n² बन जाएगा 9n में से 3n माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6n, और 16 + 2 कितना आ जाएगा, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 9. अब हमारे पास बन जाएगा n² + 6n + 9. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n² + 6n
प्लस नाइन, और अगर आप चाहें तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए इस तरह सॉल्व करके भी लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस थ्री एन, तो ये बन जाएगा एन प्लस थ्री, ये बन जाएगा थ्री, इसको मिडल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो एन प्लस थ्री और एन प्लस थ्री, तो एन प्लस थ्री स्क्वायर। आप इसका आंसर जो है वो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको मिडल टर्म ब्रेक करके आप ये भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर ये भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, सेवन प्लस फाइव एन अपॉन, अब देखें इसको हमने मिडल टर्म ब्रेक की तो इसका आंसर है एन प्लस थ्री होल स्क्वायर, तो आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे जो आंसर आप लिख दें आपकी अपनी चॉइस है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। राइट एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सिक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी। अब देखें बेटा इसको जो है मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सिक्स, अब देखें एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स होल स्क्वायर, सही है, ये बन गया ए स्क्वायर, उसके बाद मैंने लिखना है बी स्क्वायर, या फिर मैं आपको इधर 2ab की फॉर्म लिख दूं, तो 2 a की जगह पे क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा x। अब देखें इसको बनाना मैंने 10x, तो 10x बनाने के लिए मुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, ठीक है, इट मीन्स हमारे पास a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 5 है, तो इट मीन्स b हमारे पास जो होगा वो 5 होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए थी 5, तो इट मीन्स जो चीज़ आपके पास मिसिंग है विच इज़ b, उसका आपने क्या करना है, उसका स्क्वायर लेके, 5 का स्क्वायर लेके एक दफ़ा आपने उसको प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा उसी को आपने किस में लिख देना है, माइनस में लिख देना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब देखें हमारे पास b की वैल्यू बेसिकली 5 थी जो कि क्वेश्चन में मिसिंग थी, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए हमें b की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या किया, और ये फॉर्मूले पे बी के ऊपर स्क्वायर आता था इसीलिए मैंने स्क्वायर लगाया इनके ऊपर, ठीक है। तो जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है वो स्क्वायर में रिक्वायरमेंट है, मैंने क्या किया स्क्वायर लेके उसको ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ताकि अगर उसको कैंसिल भी करना हो तो हम दोबारा उसको कैंसिल भी कर दें, ओके। तो ये वाला प्लस सिक्स एज इट इज आ जाएगा, तो इसको लेके हमारा फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा विच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू क्या है फाइव, और 2 के साथ कौन सा साइन आ रहा था प्लस। अब देखें हमने वैल्यूज वो लिखी जिनके ऊपर स्क्वायर आ रहा था, x के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा था, 5 के ऊपर भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x प्लस फाइव होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 25 प्लस 6, तो ये बन जाएगा x प्लस फाइव होल स्क्वायर माइनस 19, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा उसी फॉर्म में हमने जो है उसको लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है, Use your answer to part A to solve x square plus 10x plus 6 is equal to 0. अब जो आपका इसका आंसर आया है उसको आपने इक्वल टू जीरो प्लेस करके इस फॉर्म में आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था x प्लस फाइव होल स्क्वायर माइनस 19, इसको आपने इक्वल कर देना है जीरो के, ठीक है, x प्लस फाइव होल स्क्वायर, 19 माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर रिमूव करना है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से रूट क्या आ जाएगा कैंसिल, सो x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 19, ये प्लस फाइव प्लस हो रहा है इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल्स टू माइनस फाइव प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19, इसका आंसर आ जाएगा माइनस फाइव प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19, उसी फॉर्म में आपने आंसर देना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 22 है, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट सिंपली फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, इट मीन्स एक्स प्लस फाइव को आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर दें और एक्स प्लस फाइव को एक्स माइनस सेवन से भी, ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर है इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर जो कि x माइनस सेवन है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा x माइनस सेवन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और x माइनस सेवन को x प्लस फाइव से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x सर क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 5 सर 15 अपॉन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स सेवन सर माइनस सेवन एक्स, 5x आर 5x
प्लस माइनस माइनस, 5 7 35, प्लस 2xr क्या आ जाएगा, 2x माइनस 14 अपॉन, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो ये भी सेम था, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। अब देखें डिनोमिनेटर दोनों की सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम वन टाइम लिख देंगे, तो डिनोमिनेटर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x, माइनस प्लस माइनस, 7x में से 5x माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 2x, साइन जो बड़े नंबर वाला विच इज़ माइनस, और माइनस 35। अब डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हमने वन टाइम लिख दिया, तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3x और 2x कितना बन जाएंगे 5x, 5 माइनस 14, तो ये कितना बन जाएगा 9, साइन बड़े नंबर वाला, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड, डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। अब हमने बताना है कि ए को जो बी पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बेसिकली किस तरह की, अगर आप इसको देखें तो ये पॉइंट आपका रोटेट होके यहाँ पे चला गया, तो इट मीन इस केस में हमारे पास क्या हुई है, रोटेशन हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो रोटेशन हुई है, उसके बाद ये जो चीज़ है रोटेट होके यहाँ पे पहुँची है, इट मीन्स ये हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है और 90 डिग्री के हिसाब से, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है विद, अब हम सेंटर इसका चेक करेंगे कि इसका बेसिकली सेंटर पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये दो पॉइंट चेक करूँ, इसको मैं यहाँ तक लाऊँ और इसको मैं यहाँ तक लाऊँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री, अब देखें ये चीज़ भी वेरीफाई होगी कि उसमें जो रोटेशन हो रही थी वो 90 डिग्री के हिसाब से हो रही थी, अगर आप इसको इस तरह से करें और इसको इस तरह से, तो हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का जो है वो बेसिकली एंगल बनेगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आप जो हैं वो इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, अगर फॉर एग्जांपल आप देखें इसको यहाँ पे लाते हैं और इसको यहाँ पे लाते हैं, तो फिर भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है, ठीक है। तो इट मीन आपका सेंटर पॉइंट क्या है, ये 1 था और ये माइनस 1 था, तो आपका सेंटर क्या था, 1 और माइनस 1, ठीक है। रोटेशन क्या थी, 90 डिग्री जो कि अभी हमने चेक भी किया, और वो क्लॉकवाइज रोटेशन हुई थी, उसका सेंटर क्या था, 1 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन पी इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स माइनस 1 अपॉन 2 और 0 इस तरह से। अब देखें जब हमारे पास ये जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल सेम होती हैं, तो इट मीन्स ये चीज़ इनलार्जमेंट को शो करती है, जब ये सेम हो और ये 0 0 हो तो वो किसको शो करती है, वो शो करती है इनलार्जमेंट को, किसको, इनलार्जमेंट को, और ये बेसिकली जो है उसका स्केल फैक्टर है, तो उसका स्केल फैक्टर हमारे पास कितना आ गया है, -1/2। अब आपने सिंपली क्या करना है, पी मैप्स दैट ट्राइंगल ए, अब आपने ट्राइंगल ए के सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अब देखें ये एक्स पे क्या है, -2, ठीक है, ये -2 है, और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है, -4। तो अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और -4, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट -2 और -4, और दूसरा कोऑर्डिनेट आप देखें ये सिर्फ एक्स एक्सिस है, सिर्फ मैं ये कोऑर्डिनेट देखूं, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू -2 है और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इट मीन दूसरा कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, एक्स की वैल्यू -2 होगी, सॉरी एक्स एक्सिस पे ये क्योंकि वाई एक्सिस है ना, सॉरी एक्स एक्सिस है, एक्स पे इसकी वैल्यू क्या है, -2, और वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखें तो देखें एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -4, और हमारे पास वाई एक्सिस, वाई एक्सिस जो कि इस तरह से, इट मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पे एक्स एक्सिस पे -4 है, और वाई एक्सिस में बिल्कुल इसका कोई नीचे पॉइंट आ नहीं रहा, तो इट मीन्स नीचे इसका कोई पॉइंट, जैसे इसका था एक्स -2 था तो वाई -4 था, लेकिन इसमें ये मैं अगर इसका ये वाला पार्ट चेक करूँ तो इसमें एक्स एक्सिस तो -2 है लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो वो वाई 0 होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस से पास हो रही है, अगर ये एक्स एक्सिस से पास हो रही है तो इट्स मीन इसमें वाई 0 होगा, ये भी एक्स एक्सिस से पास हो रही है जो कि -4 है, तो इट मीन इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स -4 है और वाई 0 होगा, एक्स -4 और वाई 0। अब हमने क्या करना है, इन सबको स्केल फैक्टर के साथ सॉल्व करना है, जब -2 को -1/2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, -2 मल्टीप्लाई -1/4, तो 2 1 2, सॉरी इसका स्केल फैक्टर -2 था,
ठीक है, माइनस टू को माइनस वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, इट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू बनेगी वन। जब आप माइनस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे स्केल फैक्टर से विच इज़ माइनस वन अपॉन टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, तो ये बन जाएगा टू। तो ये चीज़ आपने ड्रॉ करनी है, एक्स की वैल्यू वन और वाई की टू। अब हम देखते हैं कि एक्स वन किधर है और वाई टू किधर है। एक्स वन और वाई टू पॉजिटिव का, ये एक्स वन है और वाई टू किधर है, ये है। तो ये आपका पहला पहली चीज़ बन जाएगी वन टू। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे देखें माइनस टू ज़ीरो। जब माइनस टू को मैं स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय स्केल फैक्टर विच इज़ माइनस वन अपॉन टू, टू से टू क्या आ जाएगा कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस वन। और ज़ीरो को तो आप करेंगे तो वो ज़ीरो ही रहेगा, इट मीन्स ये आ जाएगा प्लस का वन। अब हमने देखना है कि प्लस वन हमारे पास बेसिकली कहाँ है, एक्स का प्लस वन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वाई तो ऑलरेडी ज़ीरो है। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास बन जाएगा विच इज़ वन ज़ीरो। अब तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास ये है माइनस फोर ज़ीरो। अब हम इसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय स्केल फैक्टर जो कि माइनस वन अपॉन टू है, टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का टू। अब प्लस का टू हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, y प्लस का टू हो और x ज़ीरो हो, y प्लस का टू। अब देखें ये वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में y की वैल्यू हमारे पास टू है और वर्टिकल एक्सिस में x क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगी, c बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने बना के दिखाना था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था हमारे पास पार्ट बी था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, अ ग्रुप ऑफ ऑफिस वर्कर आर ईच आस्क्ड टू रिकॉर्ड द डिस्टेंस d किलोमीटर दे ट्रेवल टू वर्क, द रिजल्ट फॉर सम ऑफ दियर जर्नीज आर शोन इन द हिस्टोग्राम। अब आपको आपके पास जो है पहला क्वेश्चन है, देर वर 12 वर्कर्स, 12 वर्कर्स हैं, ठीक है, और उनकी हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं बेसिकली जो है वो 40 से लेके 20 तक की क्लास विड्थ कितनी होगी, 20 होगी, 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी आ रही है 20, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 12। अब हमने हिस्टोग्राम कंप्लीट करना है, तो हिस्टोग्राम के लिए हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी उसने हमें बताई है 12 अपॉन क्लास विड्थ उसकी कितनी आई है 20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 6 आर 12, 2 10 आर 20। अगर हम 6 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.6। अब हमने देखना है कि 0.6 कहाँ पे बन रहा है, तो 0.6 इसको आपने गौर से देखना है। अब देखें ये 0.2 है, ये 0.4 है, और ये हमारे पास जो है वो 0.6 है। तो 0.2, 0.4 और ये 0.6, ठीक है। तो 25 से लेकर 40 तक हमारे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। तो ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। 25 से लेकर 40 तक हमारे पास 0.6 था, तो ये हमने इस तरह से 20 से लेकर 40 तक, सॉरी 0.6 था, तो 20 से लेके 40 तक हमारे पास आ गया 0.6। ये हमारे पास पार्ट ए था। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु ट्रैवल्ड मोर देन 20 किलोमीटर। अब मोर देन 20 किलोमीटर कितनों ने किया था, ये उसने हमें खुद बताया था कि 20 से ज़्यादा हमारे पास कितने थे, वो टोटल 12 वर्कर्स थे जिन्होंने 20 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो वो 12 थे। लेकिन हमने उसको बताना है किस फॉर्म में, परसेंटेज में। तो परसेंटेज हमेशा फाइंड आउट किया करेंगे टोटल के साथ। अब हमें टोटल तो पता नहीं है, टोटल आप कैसे निकालेंगे, अगर आप अपने इस हिस्टोग्राम को देखें तो इसमें आपके पास जो हर बार ग्राफ आ रहा है वो रेक्टेंगुलर शेप का आ रहा है। तो रेक्टेंगुलर शेप इस, अब देखें इसमें हमारे पास विड्थ कितने की है, 5 में 0 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5, उसकी लेंथ कितने तक आ रही है 4 तक, तो 5 4 ज़ार क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब 10 में से 5 माइनस करें 5, इसकी क्लास विड्थ भी कितनी आ रही है 5। रेक्टेंगल का फॉर्मूला यही होता है ना, लेंथ टाइम विड्थ। विड्थ उसकी 5 थी, लेंथ उसकी कितनी थी 4, 5 4 ज़ार क्या बन गया 20। अब इसकी विड्थ कितनी आ रही है 5, लेंथ उसकी कितनी आ रही है 6, तो 5 6 ज़ार कितना आ जाएगा 30,
अब देखें 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसकी क्लास विड्थ कितनी आ रही है हमारे पास, 10 आ रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, देखें ये 1.2, 1.4, 1.6, 1.8। तो 10 को आप 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 18, ठीक है। और ये हमें पता है कि हमारे पास 12 था, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, 12 अपॉन टोटल, तो टोटल हमारे पास बन रहा था 20 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 12। अब हमने इसका आंसर बताना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालने के लिए आप इसे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 12 अपॉन, सो 12 प्लस 30 कितना आ जाएगा 50, 50 प्लस 18 कितना 68, 68 और 12 बन जाएगा 80। सो 12 अपॉन 80 टाइम्स 100%, 0 से 0 क्या आ जाएगा कैंसिल, 4 टू ज़ार 8, 4 थ्री ज़ार 12, 2 वन ज़ार 2, 2 फाइव ज़ार 10, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 5, तो ये बन जाएगा 15%। तो इट मीन्स 15% ऐसे बंदे हैं जो 20 किलोमीटर से जो हैं वो ज़्यादा काम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जी, द अलजेब्रिक फ्रैक्शन 2x² माइनस 5x प्लस ए कैन बी सिंप्लीफाइड टू गिव। अब देखें वो कह रहा है कि 2x² माइनस 5x प्लस ए अपॉन, अब देखें x² माइनस 16, ये एक आपके पास आइडेंटिटी है, x² माइनस 16 में आइडेंटिटी अप्लाई होगी a² माइनस b² वाली, तो a² माइनस b², अब देखें x² माइनस 16 को आप लिख सकते हैं x होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, तो a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a माइनस b, तो x² माइनस 4² को आप लिख सकेंगे x प्लस 4 और x माइनस 4, ठीक है। तो x² माइनस 16 को आप ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस 4 x माइनस 4, कैन बी सिंप्लीफाइड टू गिव। अगर आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें तो ये हमें इस तरह की चीज़ देता है 2x प्लस बी अपॉन x प्लस 4। अब हम इसमें से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इसको हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर को अगर आप इक्वलाइज कर लें, ठीक है। अब देखें अब दरमियान में इक्वल टू का साइन, आप मुझसे पूछेंगे कि इनको इक्वलाइज क्यों करना है, इनको इक्वलाइज करने का फ़ायदा ये होगा कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर से हम डिनोमिनेटर कैंसिल करके हम अपना क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x प्लस 4 है और x माइनस 4 भी है, बट यहाँ पे जस्ट x प्लस 4 है, x माइनस 4 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, डिनोमिनेटर को भी हम x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमिरेटर को भी x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये 2x² माइनस 5x प्लस a अपॉन x प्लस 4 एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 2x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x, b को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा bx, b 4 जार 4b अपॉन x प्लस 4 एक्स माइनस 4। तो देखें x प्लस 4 से ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बच गया 2x² माइनस 5x प्लस a इज इक्वल्स टू 2x². अब देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो x वाले वेरिएबल्स हैं ना उनमें से x को कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ तो ये बच जाएगा, सिर्फ मैं x को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ माइनस x को कॉमन ले लेता हूँ, अगर हम माइनस x को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 8। अब आपने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस को हम किस साइन से मल्टीप्लाई करें कि ऊपर पॉजिटिव आ जाए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x आपने कॉमन लिया बाकी बच जाएगा 8 माइनस बी। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, देखिए माइनस माइनस दोबारा प्लस बन जाएगा और ये माइनस 4b है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अब हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर किस तरह से करना है, अब देखें x वेरिएबल को मैं x के इक्वल करता हूँ, तो इट मींस हमारे पास अगर आप x को x के इक्वल करते हैं तो ये आपके पास ये माइनस का साइन भी है, माइनस 8 माइनस बी जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 5 के, x वाले मैंने x के इक्वल जो है कंपेयर किया, माइनस से माइनस क्या आ जाएगा कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बचेगा 8 माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, बी माइनस हो रहा है इधर आके आ जाएगा प्लस, और ये 5 प्लस हो रहा है इधर आके आ जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू बी, तो बी की वैल्यू बन जाएगी 3, बी का आंसर हमारे पास आ गया 3। अब हमने ए का फाइंड आउट करना है, देखें यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट है तो जो कांस्टेंट होगा वो इधर से कांस्टेंट के इक्वल आएगा, इट मींस ए जो होगा वो इक्वल होगा माइनस 4b के,
ए इज इक्वल टू माइनस फोर, और बी का आंसर अभी आपने निकाला था विच इज थ्री, तो ए इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस ट्वेल्व। तो इस तरह से आप जो हैं वो इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था जी हमारे पास पास्ट पेपर 4024, पेपर वन वेरिएंट टू मई जून 2021। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कोई और पास पेपर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।